दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज का सैमसंग गैलेक्सी ए 50 लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है और इसका काफ़ी डिमांड है। वहीं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज का तीन और नया फ़ोन लॉन्च हो सकता है 10 अप्रैल को और वो होगा सैमसंग गैलेक्सी ए 60, सैमसंग गैलेक्सी ए 70 और सैमसंग गैलेक्सी ए 90। और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी ए 70 चाइना के सर्टिफिकेशन साइट टीना पे लिस्ट हुआ है और सारी जानकारी निकल के सामने आई है और इससे ये पता चलता है कि भाई ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन हो सकता है। और यहाँ पर सवाल उठता है कि किनको सैमसंग गैलेक्सी ए 50 परचेज कर लेना चाहिए और किनको वेट करना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी ए 70 का। क्या कुछ खास मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी ए 70 में, क्या बेहतर दिखाई देगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में दोनों फ़ोन्स का कंपेरिजन देखने को मिलेगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई आपको सैमसंग गैलेक्सी ए 50 परचेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी ए 70 का। दोस्तों मैं हूं कामाख्या आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आनंद टॉकिंग। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी ए 50 आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच के स्क्रीन के साथ में, जहाँ की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा और वहीं इन्फिनिटी यू नॉच भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी ए 70 की तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्क्रीन दिखाई देता है और 6.7 इंच के स्क्रीन के साथ में ये आएगा और यहाँ पर भी फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और इन्फिनिटी यू नॉच यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्क्रीन है तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है काफ़ी सुविधा होगी, भाई वीडियो वगैरह देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी आनंद आएगा। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो सकता है, अगर वन हैंड यूज़ करना चाहते हैं तो भाई कितना दिक्कत होगा, क्या डायमेंशन में अंतर आता है, तो वो देख लेते हैं। अगर इसके लंबाई चौड़ाई और मोटाई की बात करें तो यहाँ पर अगर सैमसंग गैलेक्सी ए 50 से तुलना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई जो है लगभग 5.7 mm यानी मिलीमीटर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग आधा सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा होगा और वहीं 2 mm जो है इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होगी सैमसंग गैलेक्सी ए 70 की सैमसंग गैलेक्सी ए 50 की तुलना में। वहीं 0.2 mm ज़्यादा यह थिक दिखेगा, मोटा दिखेगा, जो बहुत ही कम है, उससे कोई खास अंतर नहीं आता। लेकिन अब यहाँ पे लंबाई में थोड़ा अंतर आपको ज़रूर दिखाई दे रहा है। अब ये आप तय कीजिए कि भाई आपको बड़े स्क्रीन पे वीडियो देखना है, गेम खेलना है, या फिर थोड़ा छोटा स्क्रीन आपको चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर दोस्तों बात करें पैनल की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सुपर एमोलेड पैनल सैमसंग स्पेशलाइज्ड दोनों ही फ़ोन्स में। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी ए 50 की तो यहाँ पर देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, मैंने कॉर्निंग के साइट पे जो विज़िट किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है ए 50 में यूज किया गया है, जो कि सैमसंग के द्वारा कहीं पर भी नहीं बताया गया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी ए 70 की तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। अब दोस्तों अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में दोनों में पॉलीकार्बोनेट दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी ए 50 की तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट दिखाई देता है, जिसको ग्लास्टिक बोला जा रहा है। अब ग्लास्टिक का मतलब होता है कि ग्लास लुक और डिज़ाइन, और जिसमें कि यूज़ किया गया है प्लास्टिक, और सेम देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी ए 70 में। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा सेक्शन की तो यहाँ पर बैक साइड में सैमसंग गैलेक्सी ए 50 में दिखता है 25 MP का प्राइमरी कैमरा, जिसका कि अपर्चर है 1.7, और वहीं जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 MP का है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और इसका अपर्चर है 2.2। अब अल्ट्रा वाइड एंगल वाले कैमरे से आप बड़े ग्रुप की फ़ोटो निकाल सकते हैं, बड़े ग्रुप को कवर कर सकते हैं, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस से। वहीं दोस्तों प्राइमरी कैमरा 25 MP का है, जो कि 1.7 अपर्चर के साथ में आता है, तो लो लाइट फोटोग्राफी थोड़ा बेहतर हो जाता है। और दोस्तों जो तीसरा कैमरा दिया गया 5 MP का, वो है लाइव फोकस कैमरा, जिससे कि पोर्ट्रेट मोड में बेहतरीन फोटो निकाल पाएंगे और इसका अपर्चर है 2.2। और सैमसंग गैलेक्सी ए 70 की बात करें तो यहाँ पर भी ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड में देखने को मिलेगा, जो होगा 32 MP का प्राइमरी कैमरा, जिसमें कि आपको 1.7 अपर्चर ही दिख सकता है। वहीं अगर दोस्तों दूसरे कैमरे की बात करें जो 8 MP का होगा, और ये सिमिलर होगा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 2.2 अपर्चर के साथ में, और तीसरा कैमरा होगा 5 MP वाला, सिमिलर सैमसंग गैलेक्सी ए
A50 की तरह लाइव फोकस कैमरा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कैमरा जो है, अगर हम बात करें भाई सैमसंग गैलेक्सी A50 की या फिर सैमसंग गैलेक्सी A70 की, तो भाई 25 मेगापिक्सल भी मोर देन इनफ होता है अगर उसमें बढ़िया सेंसर यूज किया गया हो। और सैमसंग गैलेक्सी A70 का 32 मेगापिक्सल का कैमरा कितना कमाल का है वो तो आने के बाद पता चलेगा। और सैमसंग गैलेक्सी A50 की बात करें तो इसका कैमरा बेहतरीन है, बेहतर फोटो निकाल के देता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A50 में 25 मेगापिक्सल का कैमरा और जिसका कि अपर्चर है 2.0। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A70 की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा और उसका भी अपर्चर हो सकता है 2.0। तो दोस्तों यहां पर कैमरा जो है फ्रंट साइड में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A70 में, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं लगता। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि वो कैमरा कितना बेहतरीन है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर जो देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A50 में वो देखने को मिलता है एक्जिनोस का 9610 जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 10nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे चार कोर जो है 2.3 GHz पे क्लॉक्ड हैं और कॉर्टेक्स A73 बेस्ड है। वहीं जो और चार कोर दिया गया है वो 1.7 GHz पे क्लॉक्ड हैं और कॉर्टेक्स A53 बेस्ड हैं। और यहाँ पर जो GPU का इस्तेमाल किया गया है वो है मालिका G72MP3। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A70 की, तो जो प्रोसेसर इसमें यूज होगा सैमसंग गैलेक्सी A70 में, उसमें 2 GHz का 2 कोर होगा और 1.7 GHz का 6 कोर्स होगा। और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें प्रोसेसर हो सकता है स्नैपड्रैगन का 675 जो कि एक काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है। और यहाँ पर जो आपको 2 कोर देखने को मिलता है वो 2 GHz पे क्लॉक्ड है और कॉर्टेक्स A76 बेस्ड है और 6 कोर्स 1.7 GHz पे क्लॉक्ड है और कॉर्टेक्स A55 बेस्ड है। अगर एक्जिनोस 9610 की बात करें तो ये लगभग आता है स्नैपड्रैगन के 660 के बराबर। दोनों ही प्रोसेसर से आप जो है हेवी टास्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और हेवी गेम लाइक पबजी खेल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और लेकिन अगर हम इसके एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलता है ओवरऑल स्कोर में। अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A50 का जो स्कोर आता है वो आता है 1,45,059 और वहीं अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A70 की तो यहाँ पर देखने को मिलता है 1,79,459। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो भाई बैटरी जो आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A50 में वो मिलता है 4000 mAh की बैटरी और इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है और क्विक चार्ज 3 का सपोर्ट मिलता है, जिसमें कि आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A70 की, तो यहाँ पर जो बैटरी देखने को मिलता है वो 4400 mAh का देखने को मिलता है और यहाँ पर भी USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसके साथ जो चार्जर दिया जाएगा वो बताया जा रहा है 25 वाट का चार्जर होगा जो कि मोबाइल को 1 घंटे में पूरा चार्ज कर देगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो भाई सिक्योरिटी के लिए आपको फेस अनलॉक और ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A50 और सैमसंग गैलेक्सी A70 में। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर ड्यूअल 4G वोल्टे का सपोर्ट सैमसंग गैलेक्सी A50 और सैमसंग गैलेक्सी A70 दोनों में ही देखने को मिल जाएगा और दोनों ही फ़ोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा जिसमें कि 2 SIM और मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे और दोनों ही फ़ोन को एक्सपेंड कर सकते हैं 512 GB तक। दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड 9.0 पाई देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की, तो सैमसंग गैलेक्सी A50 में One UI देखने को मिलता है जो कि कस्टमाइज्ड यूज़र इंटरफेस है सैमसंग की तरफ से और यही देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A70 में और ये काफ़ी बेहतरीन है। अगर काफ़ी बड़ा स्क्रीन है तो वन हैंड यूज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है इस इंटरफेस से। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे लास्ट में प्राइस की, तो भाई सैमसंग गैलेक्सी A50 का प्राइस जैसा कि आपको मालूम है 4GB और 64GB वाले वेरिएंट का है 19,990 रुपये और 6GB और 64GB वाले वेरिएंट का प्राइस है 22,990 रुपये। वहीं अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी A70 की,
तो यहाँ पर जो आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 6GB 128GB वाला और 8GB 128GB वाला। और 6GB 128GB वाले वेरिएंट का प्राइस हो सकता है 25,990 रुपये यानी लगभग 26,000 और 8GB 128GB वाले वेरिएंट का प्राइस हो सकता है 28,990 रुपये। अब दोस्तों इसका प्राइस इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, अब ये तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस प्राइस पे अगर लॉन्च होता है तो अगर हम बात करें तुलना करें सैमसंग गैलेक्सी A50 से उसके लोअर वेरिएंट से, तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे तब जाके सैमसंग गैलेक्सी A70 आपके पास आएगा। जी हाँ, आप उसको परचेज कर पाएंगे अगर लॉन्च होता है उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर जिसका जो बजट ज़्यादा है, जो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, वो निश्चित तौर पर सैमसंग गैलेक्सी A70 का वेट कर सकते हैं। जिनको कि बड़े स्क्रीन में गेम खेलना है, वीडियोस देखना है, वो निश्चित तौर पर इसका वेट कर सकते हैं। लेकिन जिसका बजट कम है उनको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी A50 भी बेहतरीन फ़ोन है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल आनंद टॉकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।